नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जो क्लास टेंथ में है, क्लास ट्वेल्थ में है, ट्वेल्थ क्रॉस कर चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने करियर की तलाश में हैं कि उन्हें क्या ऐसा पढ़ना चाहिए, किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए ताकि उनका जीवन एक सफल श्रेणी में आए, एक पर्पसफुल लाइफ वो जिए, एक हैप्पी लाइफ वो जिए। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। मेरे पास सपोज 100 किताबें हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट की हैं, डिफरेंट टॉपिक की हैं, डिफरेंट उनका लुक है, कवर है, कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई हार्ड बाइंड है, कोई सॉफ्ट पेपरबैक है। तभी मेरा बच्चा मेरे पास आता है और पूछता है कि पापा मैं क्या पढ़ूँ। तो मैं मेरी पसंद की जो सबसे अच्छी किताब है, जो बहुत सुंदर भी है और उसका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, मैं वो उठा के उसको दे देता हूँ और बोलता हूँ कि बेटा ये पढ़ लो, और वो किताब लेके चला जाता है। तो आप इसमें बताइए, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने उसे सही बुक चूज करके दी? आप सोचिए, अगर ये किताब का किस्सा था, अगर मेरा बच्चा यही आता और पूछता कि पापा मैं कौन सा करियर चूज करूं, तो मेरे पास करियर की लाइन है और मुझे जो सबसे अच्छा करियर लगता, सपोज इंजीनियर्स, तो मैं बोलता कि बेटा ले तू इंजीनियर बन जा, जा और वो चला जाता है इंजीनियर बनने। तो अगर ऐसे ही आप अपना करियर डिसाइड कर रहे हैं दोस्तों, तो समझ लीजिए आप कभी भी अपनी जिंदगी में एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाएंगे, एक सुखी व्यक्ति नहीं बन पाएंगे और एक पर्पसफुल लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत है कि हम किसी भी एडवाइस को, किसी भी सलाह को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करें, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति आपको ये एडवाइस दे रहा हो। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति एडवाइस देता है, वो अपने बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन इस पास्ट लाइफ, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उन सब को मद्देनजर रखते हुए, मार्केट में क्या चल रहा है उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा पैसा है उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के वो आपको सलाह देगा। और हो सकता है कि वो सलाह आपके लिए दो कौड़ी की हो सकता है वो सलाह आपके लिए कीमती सोने की तरह भी हो। तो कई बार तुक्का फिट हो जाता है, लेकिन क्या आप अपनी लाइफ का डिसीजन तुक्के के बेस पर ले सकते हैं? नहीं ना। तो अगर साइंटिफिकली आपको कोई प्रूफ करके दे दे कि ये करियर आपके लिए अच्छा है, ये आपको ही सूट करता है, आप इसी के लिए बने हैं, तो फिर आप उस करियर को चूज करेंगे या कोई आके रेंडम एडवाइस दे दे, आपके पेरेंट, आपके टीचर, आपके यार दोस्त, कोई भी, आप उसको स्वीकार करेंगे? विच वन इज अ बेटर चॉइस फॉर यू? तो आप कहेंगे जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में मुझे बताएगा वही सही एडवाइस होगी। तो दोस्तों, वही काम मैं कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए करियर, कौन सा करियर सबसे बेस्ट रहेगा, जिसको चूज करके आप आने वाले 5, 10, 15 सालों में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच सकते हैं जो आप सपने में देखा करते हैं। दोस्तों, वी ऑल आर ड्रीमर्स, और सपने देखना ही एक युवा की पहचान है। बूढ़े आदमी सपने नहीं देखते, बच्चे सपने देखते हैं, युवा सपने देखते हैं। तो उन सपनों को सच करने का जज्बा भी हमारे अंदर ही है। तो हम दुनिया की भेड़ चाल में शामिल ना होकर अलग अपनी आइडेंटिटी जब तक क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आप जान लीजिए आप अंदर से पीसफुल नहीं रह पाएंगे। इसीलिए आप अपनी लाइफ का पर्पस पता करिए, अपना पोटेंशियल पता करिए कि आप क्या हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, और उस बेसिस पर आप करियर चूज करें। हमेशा इन्हीं पैरामीटर्स पर जो भी बच्चा अपना करियर चूज करेगा, वो हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल रहेगा, एक पर्पसफुल लाइफ जिएगा और दूसरों के लिए एक एग्जांपल भी बन के उभरेगा, ना कि भेड़ चाल में शामिल होकर जो सब लोग कर रहे हैं वही मैं कर लूँ और भीड़ में खो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप उस श्रेणी में शामिल हो। आज ही अपने ऊपर वर्कआउट करिए, एक पेपर पर अपनी स्ट्रेंथ लिखिए, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में लिखिए, अपनी एबिलिटी के बारे में लिखिए, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में लिखिए, अपने इंटरेस्ट के बारे में लिखिए। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, इवन आपके पेरेंट्स भी, आपके टीचर्स भी। तो आप ही अपने मित्र हैं, आप ही अपने शत्रु हैं। तो देर किस बात की, उठाइए पेपर और लिख डालिए अपनी सारी स्ट्रेंथ, सारी लाइकिंग डिसलाइकिंग, सारे इंटरेस्ट, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, और फिर
हम एक और वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस पर्सनैलिटी को कौन सा करियर में जाना चाहिए, किस व्यक्ति का, किस बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, उसको किस करियर में जाना चाहिए। तो अगर आप पता करना चाहते हैं वाकई कि आप किस करियर में जाना चाहते हैं, आपको कौन सा करियर सूट करेगा, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मुझसे यूं ही जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से। आई एम श्योर कि आप अपने करियर को 100% प्राप्त कर लेंगे, जो आप बनना चाहते हैं, जिसके आप सपने देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर योर टाइम।